दोस्तों आज मैं बताऊंगा स्टडी एंड सेटल इन डेनमार्क ऑप्शन। आज हमारा डेनमार्क का वर्क परमिट आया है लवदीप किपाल जो कि संगरूर से हैं। सो व्हाई डेनमार्क, देयर आर कपल ऑफ बेनिफिट्स व्हाई यू चूज डेनमार्क। पंजाब में डेनमार्क बहुत कम लोगों ने सुना है बिकॉज बहुत कम लोग और कंसल्टेंट्स इसको कर रहे हैं, इसको परस्यू कर रहे हैं। विनियर इंग्लिश का जब नाम आता है पंजाब में, वी आर द मेजर डेनमार्क स्टडी वीजा अब्रॉड सर्विसेज प्रोवाइडर। सो व्हाई डेनमार्क? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेनमार्क इज ए शेंजन कंट्री। यू कैन ट्रेवल अप टू 27 कंट्रीज। सारे यूरोप में ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज हैं जिसमें स्थाई देश हैं जिनको शेंजन या शेंजन यूनियन का अवार्ड मिला है। एक भी देश का अगर वीजा है इसमें आप सारे स्थाई देश विदाउट वीजा घूम सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद डेनमार्क वीजा यू कैन ट्रेवल फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, लैटविया, माल्टा, हंगरी, स्पेन, पोर्टुगल, इटली एंड सो ऑन। सो 27 कंट्रीज विदाउट वीजा घूम सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी डेनमार्क पता नहीं कोई अरेबियन कंट्री है, बिकॉज ऑफ लेस अवेयरनेस इन पंजाब। हम फुल फ्लेज अवेयरनेस कर रहे हैं पंजाब में अबाउट दीज नॉर्डिक कंट्रीज, शेंजन कंट्रीज, सो दैट आपको भी पता लगे कि देर आर नॉट ओनली कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, US एंड UK। मोस्टली जितना क्राउड जाना था वो इन चार कंट्रीज में ऑलरेडी जा चुका है, स्पाउस वीजा से, विजिटर वीजा से। बहुत सारे पंजाब हरियाणा में देखा गया कि जो इंटॉक्सिकेशन यूज करते थे, जो नहीं भी डिजर्व करते थे, वो भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और US में आज के टाइम में जा चुके हैं। और वहाँ के हालात हम सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी राइज हो चुकी हैं, बहुत सारे वहाँ पे क्राइम्स के जो रेशो है, क्राइम रेशो हाई हो चुकी है, थेफ्ट हो चुकी है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन एविडेंट ऑन एवरीडे बेसिस। तो अब बचा क्या है? नॉर्डिक कंट्रीज है, यूरोप है जो बचा है। बहुत सारे कंट्रीज लो कॉस्ट है जैसे लैटविया हो गया, हंगरी हो गया, स्पेन है। आज हम डेनमार्क के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट है यू कैन माइग्रेट विद फैमिली। फैमिली की बात करते हैं तो इसमें स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलता है जिसमें राइट्स होते हैं। यू कैन ओपन, ही और शी कैन ओपन हिज ऑन बिजनेस इन डेनमार्क। फैमिली राइट्स में क्या है? प्राइमरी एप्लीकेंट वो होता है जिसकी हम फाइल स्टडी वीजा पे लगाते हैं, दैट इज ए प्राइमरी एप्लीकेंट। स्पाउस जो होता है वो सेकेंडरी एप्लीकेंट है। स्पाउस को ये फुल टाइम वर्क परमिट देते हैं अगर आपके बच्चे हैं, किड्स को वहाँ पे स्टडी फ्री है। इवन किड्स को डेनमार्क पे अलाउंसेस मिलते हैं, 18 साल तक बच्चों को पैसे मिलते हैं डेनिश गवर्नमेंट की तरफ से। डेनिश सीखने के पैसे मिलते हैं वहाँ पे, कम्यून में क्लासेस होती हैं, फ्री डेनिश सीखें, प्लस डेनिश सीखने के डेनमार्क गवर्नमेंट पैसे देती हैं। सो फैमिली के साथ आप फ्लाइट, सेम डे सेम फ्लाइट जा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे जा सकते हैं। सेकेंड इज नो एज लिमिट। नो एज लिमिट की जब हम बात करते हैं, 47 ईयर्स ओल्ड का भी वीजा आया है विद फैमिली। तो आप इमेजिन कीजिए, स्टडी वीजा किसी भी कंट्री में जब स्टडी की एज खत्म हो जाती है, लाइक 32-33 प्लस, तो बहुत सारी कंट्रीज कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, US वीजा नहीं देते। डेनमार्क इज गिविंग वीजा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज। सो एज फैक्टर नहीं है, लॉन्ग गैप इज एक्सेप्टेड। सो लॉन्ग गैप जो है 20-25-30 साल का भी गैप अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो वी कैन अप्लाई इन डेनमार्क विद फैमिली। प्राइमरी एप्लीकेंट जो है उसके फंड्स, देयर इज नो फंड रिक्वायरमेंट। नो फंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कैनेडा में GIC है जो कि ऑलमोस्ट 13-13.5 लाख है। ऑस्ट्रेलिया में फंड्स दिखाने पड़ते हैं ऑलमोस्ट 35-40 लाख, 3 मंथ्स ओल्ड। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में हमें ऑलमोस्ट 50 लाख दिखाना पड़ता है, 6 मंथ ओल्ड। और अगर हम UK की बात करें, UK में भी हमें फंड्स चाहिए होते हैं ऑलमोस्ट 28 डेज, 30-35 लाख, 25 लाख। US में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 30-50 लाख
for student visa. Whereas in Denmark, for primary applicant, there is no funding requirement. ना आपका कोई ITRs लगेगा, ना आपका कोई property valuation लगेगा, ना आपका कोई bank balance लगेगा. In case of primary applicant, अगर आपके बच्चे ने अभी 12th की है, मान लीजिए recently 12th की है, या फिर 2019 pass out है 12th, उसने IELTS किया है 6 band not less than 5.5. देखो relaxation है, एक दो band scores में 5.5 भी चलेंगे. अगर उसने PTE किया है, PTE 52 not less than 45, एक दो में 45 चल जाएंगे, overall 52 चाहिए, IELTS में हमें overall 6 चाहिए. TOEFL किया है, equivalent to 6 चल जाएगा. Any background, so any background से भाव है कि commerce, medical, non-medical, vocational, arts, कुछ भी बैकग्राउंड हो, वी स्टिल कैन अप्लाई डेनमार्क विदाउट एनी शो मनी GIC ब्लॉक अकाउंट्स. सिर्फ 12th की हो, एनी बैकग्राउंड 2019 से ऊपर हो, 20, 21, 22, 23, 24, IELTS किया हो 6 में नॉट लेस देन 5.5, PTE किया हो 52 नॉट लेस देन 45, वी कैन अप्लाई टू IBA इंटरनेशनल बिजनेस अकेडमी इन कोलिंग. इसमें हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का 3 साल का प्रोग्राम है. नाउ आई एम कमिंग टू द पार्ट विच इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम. 12th वाला स्टूडेंट स्पाउस लेके जा सकता है डेनमार्क में, और इस प्रोग्राम की 3 साल की ड्यूरेशन है. जो प्राइमरी एप्लीकेंट होगा उसके पास 3 साल का स्टडी परमिट, पार्ट टाइम वर्क परमिट, और उसके स्पाउस के पास 3 साल का वर्क परमिट होगा डेनमार्क का. तो अगर आप डेनमार्क में रिसर्च करें थोड़ी सी, तो वहां पे 2 करेंसीज चलती हैं, यूरो भी चलता है जो कि ऑलमोस्ट 89 to 90 रुपीज है INR. वहां पे DKK चलता है, इसको डेनिश करोना बोलते हैं. डेनिश करोना की वैल्यू जरूर 12 to 12.5 INR है. कुछ लोगों का वहम है जी डेनमार्क में तो करेंसी 12 रुपए है, वहां जाके हम क्या करेंगे. इसका आंसर ये है कि गूगल इट, गूगल में जाइए, वहां पे राइट डाउन कीजिए एवरेज मंथली सैलरी इन डेनमार्क, इट इज 46,320 पर मंथ बिफोर टैक्सेस. दिस इज एन एवरेज. बहुत सारे लोग 60,000 भी कमा लेते हैं, 30 भी कमाते हैं. मान लीजिए आप 30,000 कमा लेते हैं वहां पे, 30,000 इंटू 12 कर लीजिए, 360,000 इंडिया का हो गया. दिस इज मोर देन द इनकम वन कैन अर्न इन कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और UK. सो फुल टाइम वर्कर मिनिमम इनकम 3 to 4 lakh कमा लेता है. अगर बंदा मेहनती है तो हस्बैंड वाइफ 3 to 4-5 lakh मंथली इनकम हमारे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं. विनियर इंग्लिश की बहुत देर से डेनमार्क में हिस्ट्री है. हम आपको कुछ हमारे स्टूडेंट्स के नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वेयर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं, यू कैन टॉक टू दोज पीपल अबाउट डेनमार्क. सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों डेनमार्क की. अवेयरनेस वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ सो दैट कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, US के अलावा आपको पता हो देर आर कंट्रीज जहाँ पे स्कोप है. लेस देन 20,000 इंडियन पॉपुलेशन है, यहाँ पे अभी रश नहीं पड़ा पंजाब और हरियाणा का, जैसे बहुत सारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK माइग्रेट कर चुके हैं. डेनमार्क इज ए न्यू डेस्टिनेशन वेयर यू कैन यू नो बिल्ड योर फ्यूचर. कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे पास डेनमार्क में ऐसी हैं जहां पे अगर आपके बच्चे ने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किया हुआ, तो हमारे पास डेनिश यूनिवर्सिटीज हैं. हमारे पास SDU सदर्न डेनमार्क यूनिवर्सिटी, आरस यूनिवर्सिटी है हमारे पास, हमारे पास VIA यूनिवर्सिटी है, हमारे पास यूनिवर्सिटी एप्सिलॉन है, हमारे पास IBA है, हमारे पास कॉपनहेगन बिजनेस स्कूल है. वी हैव ऑल द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज इन डेनमार्क. अगर आपके बच्चे ने प्लस टू विद मैथ्स किया है, इस केस में हम SDU दे सकते हैं, RS दे सकते हैं, VIA दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी एप्सिलॉन. यूनिवर्सिटी एप्सिलॉन में हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एनी बैकग्राउंड हो, अगर बच्चे ने 6.5 bands नॉट लेस देन 5.5 किए हैं, आपके पास हैं, वहां पे हमारे पास है ऑनर्स डिग्री इन टीचिंग. टीचिंग में ऑनर्स डिग्री है, इसकी ब्यूटी है 4 ईयर का प्रोग्राम है,
3 साल का वर्क परमिट मिलता है। अगर बच्चे के पास 6.5 बैंड्स हैं, यूनिवर्सिटी एप्सिलॉन में बच्चे को एडमिशन दिलवाएंगे, हाफ ईयर फीस जाएगी। विद स्पाउस है तो बहुत थोड़े खर्चे में बच्चा यहाँ जाएगा। स्पाउस के पास 4 साल का वर्क परमिट होगा पहले, उसके बाद फिर 3 साल का वर्क परमिट होगा। 5 से 7 साल में वैसी डेनमार्क पीआर दे देता है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वहां पे सेटल होने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी एप्सिलॉन विद हाफ ईयर फीस विद स्पाउस, अमेजिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव VIA। VIA यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो डेनिश यूनिवर्सिटी। इसमें हमारे पास आर्किटेक्चरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। इसमें भी 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक का वर्क परमिट मिलता है। सिमिलरली आरएस यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल प्रोग्राम है, इसमें भी 3 से 4 साल तक वर्क परमिट मिलता है। सदर्न डेनमार्क यूनिवर्सिटी में हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, इसमें भी 3-4 साल आपको वर्क परमिट मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात करें तो। इसके अलावा अलग अलग लोकेशंस भी हैं, ये जैसे CBC है, ये कोपेनहेगन में है, हब ऑफ द कैपिटल ऑफ द डेनमार्क। IBA कोलिंग में इनका है। तो सिमिलरली अलग अलग लोकेशंस में हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेनमार्क। कंप्लीट वीडियो ऑन डेनमार्क, व्हाई यू शुड गो डेनमार्क, व्हाई यू शुड कंसीडर डेनमार्क एज योर स्टडी डेस्टिनेशन। पंजाब में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जिनके मल्टीपल रिफ्यूजल्स हैं, डेनमार्क एक्सेप्ट कर रहा है। आपका किसी कंट्री से, कनाडा से रिफ्यूजल है, ऑस्ट्रेलिया से है, US से है, 6 रिफ्यूजल वाला भी हमने डेनमार्क भेजा है विदाउट एनी इश्यू। अगर आपके मल्टीपल रिफ्यूजल्स हैं, अगर आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, कम बजट में जाना चाहते हैं और अच्छी इनकम वाली कंट्री में जाना चाहते हैं, कंसीडर डेनमार्क। कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली एट 7973160270। डेनमार्क के बारे में और भी कुछ रिसर्च करना हो, आप विनियर इंग्लिश पे आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। लॉन्ग गैप के साथ हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे आप इसको सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन चेक आवर वेबसाइट, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। जिस तरह इनका वीजा है डेनमार्क का, वी विल हेल्प यू टू माइग्रेट ओवर देयर ऑन स्पाउस वीजा, ऑन स्टूडेंट वीजा। एंड नॉट ओनली दिस, डेनमार्क पहुंचने के बाद हमारे पास प्रॉपर पोस्ट वीजा सर्विसेज हैं। पिकअप हमारी टीम करेगी, अकोमोडेशन में हेल्प करेंगे। वी हैव वेरी मेनी टाई अप्स विद वेरियस एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज ओवर देयर, विल हेल्प यू टू गेट जॉब ओवर देयर एज वेल। थैंक यू सो मच। Contact me at 7973160270. Thank you.